हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo X90 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन सेटिंग जो है काम कैसे करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन सेटिंग का, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अगले पेज में आपको है ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, ठीक है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी आपका पेज ओपन होगा आपका ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन का, इसमें आपको ये पॉइंटर आपका ब्लिंक कर रहा है ना, यहाँ पर आपको एक बार टैप करना है तो आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ना अपना नाम या फिर किसी का भी नाम या फिर आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से। तो आपको इसके नीचे साइड जो ये ओके का बटन है इसे प्रेस करना है, ठीक है। तो आपका ये इसके नीचे ये आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, जो भी आपने लिखा है। अब देखिए ये नाम जो है कहाँ पर लिखा हुआ आता है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपके मोबाइल फ़ोन की जो लॉक स्क्रीन होती है ना, यहाँ पर आपको टाइम के नीचे ये आपको नाम लिखा हुआ दिखाई देता है, जो भी आपने लिखा होगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन सेटिंग इस तरीके से काम करती है आपकी, ठीक है। आप चाहे तो इस सेटिंग को जो है ना, यानी कि जो आपने नाम यहाँ पे लिखा हुआ है इसे आप कट भी कर सकते हैं। इसे आप कट करके इसे ओके कर देंगे ना, तो जो नाम आपने लिखा था वो नाम आपका यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की लॉक स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये सेटिंग के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया है। तो अब मैं आपको जो है ना ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप इस सेटिंग को आप अपने मोबाइल फ़ोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फ़ोन का आपको सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है लॉक स्क्रीन सेटिंग, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप कीजिए लॉक स्क्रीन सेटिंग इस तरीके से, तो आपको नीचे ये ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाता है। इस सेटिंग को सेलेक्ट करेंगे ना तो इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का।